दिल्ली में गुरुवार को प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में रहा। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 254 रहा और इससे पहले के आंकड़ों की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बुधवार की सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 268 था, जबकि मंगलवार को ये 223 दर्ज किया गया। देखिए संवाददाता सिमरन पटेल की ये रिपोर्ट। दिल्ली की आबोहवा लगातार खराब होने लगी है और दिल्ली में प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पड़ोसी राज्य द्वारा जो पराली जलाई जाती है, जो किसान अपने खेतों में पराली जलाते हैं, उसका नतीजा जो साफ आपको दिल्ली में दिख रहा होगा। इस वक्त हम खड़े हैं इंडिया गेट के सामने, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना धुंधला है कि आपको साफ इंडिया गेट भी नहीं दिख रहा होगा। एक वो वक्त था अभी जब लॉकडाउन लगा था, तो ये दिल्ली के आसमान नीले हुए थे और एयर की जो क्वालिटी थी वो काफ़ी अच्छी हो गई थी, लेकिन ये जो पराली जलाया जा रहा है इस वजह से दिल्ली में लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त इस तरफ आप देखेंगे, ये राजपथ है, यहाँ पे राष्ट्रपति भवन सामने अगर आप पहले देखते थे तो आपको शायद दिखता था, इस वक्त इतनी एयर क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई है, इतना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है दिल्ली में कि वो भी आपको साफ नहीं दिख रहा है। वहीं लगातार दिल्ली के सीएम केजरीवाल लगातार अभियान चला रहे हैं कि किस तरह पॉल्यूशन को रोका जाए, प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध वो कर रहे हैं, ये अभियान उन्होंने नाम दिया है। और उन्होंने किसानों को मुफ्त में कैप्सूल भी पहुंचाने का वादा किया है। पूषा इंस्टीट्यूट ने कैप्सूल बनाई है जिससे पराली जलाने की नौबत नहीं आएगी, किसानों को मुफ्त में दिल्ली सरकार पहुँचा रहे हैं। और वहीं वो लगातार ये अभियान चला रहे हैं जिससे दिल्ली में प्रदूषण का लेवल कम हो जाए। वहीं कोरोना काल में जहाँ लोग कोरोना से परेशान हैं, तो वहीं ये खतरा भी, प्रदूषण का जो खतरा है ये भी सर पर मंडरा रहा है। दिल्ली NCR में जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस अभी जो स्तर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 326 के पार हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ख़राब स्थिति में अभी दिल्ली वाले हैं और वो गुजर रहे हैं। और यहाँ पे तमाम दिल्ली सरकार की तरफ से जो लोग हैं वो होर्डिंग्स लेके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये आप देखिए इस तरफ, यहाँ पे साफ लिखा है कि रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ। इससे लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि जब आप रेड लाइट पे हो और जब रेड लाइट रेड हो उस वक्त आप अपनी गाड़ियों को बंद रखें। और इस तरह वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं क्योंकि जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और डॉक्टरों का भी कहना है कि इस कोरोना काल में ये जो पॉल्यूशन है वो हमारे लंग्स में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जिससे काफ़ी कोरोना काल का जो खतरा भी है वो बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए सारी जागरूकता फैलाई जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस समय दिल्ली से सिमरन पटेल, कैमरामैन देव के साथ।